दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फर्नीचर के ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आए हैं जो कि आपके घर की सुंदरता तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन दोस्तों साथ ही आपके घर में जगह भी काफी ज्यादा कम लेंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बताए गए सभी फर्नीचर आप अपने फर्नीचर के कारीगर की मदद से आप खुद अपने घर पर ही बना सकते हो। तो दोस्तों जरा सा भी वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ईजेड बेड। दोस्तों आप इस बेड को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो। इस सूटकेस बैग को दोस्तों आप बेड बनाने के लिए सबसे पहले इसके जिप को खोलना होता है और दोस्तों फिर इसके अंदर दिए गए प्लग को आप फिर सॉकेट में लगा दें और दोस्तों जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो दोस्तों इस बेड में हवा भरना शुरू हो जाती है और दोस्तों 1 से 2 मिनट में इस बेड में हवा पूरी तरीके से भर जाती है। और दोस्तों ये बेड इतना ज्यादा आरामदायक होता है कि अगर आप इस बेड पर एक बार सो गए तो दोस्तों आप दूसरे बेड तो भूल ही जाएंगे। और दोस्तों स्विच ऑफ करते हुए ही ये बेड दोस्तों अपने आप फोल्ड होकर एक हल्की बैग बन जाता है। और दोस्तों इस बेड को आपको खरीदने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये देने होंगे। नंबर 2, स्मार्ट शेल्स। स्मार्ट शेल्स को दोस्तों इस तरीके से बनाया गया है कि देखने वाले को ये एक सिंपल सी अलमारी लगेगी, लेकिन दोस्तों जैसे इस अलमारी को घुमाया जाता है तो दोस्तों इसके पीछे एक कमरा छुपा होता है और दोस्तों पीछे की तरफ भी स्मार्ट शेल्स में एक अलमारी होती है जिसमें दोस्तों आप अपना कीमती सामान रख सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम का किसी को पता न चले तो आप अपने फर्नीचर के कारीगर की मदद से इन स्मार्ट सेल को बना सकते हैं। नंबर 3, बेड विद डेस्क। दोस्तों इस अलमारी के आगे एक आपको टेबल मिलती है जिन पर आप किसी चीज को भी रख सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का वर्क काफी अच्छे से कर सकते हो। और जब आप इन दोनों टेबलों को साइड करने के बाद जब आप इस अलमारी को खोलोगे तो दोस्तों आपको एक बड़ा सा डबल बेड मिलेगा जो कि दोस्तों इस बेड के आगे पीछे खड़ी हुई टेबल इस बेड को दोस्तों और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। नंबर 4, सोफा विद बेड। दोस्तों इस सोफे से अटैच अलमारी को नीचे करते ही ये अलमारी एक सुंदर सा बेड का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों जब मेहमानों को नाश्ता कराना होता है तो दोस्तों सोफे पर बैठा दिया जाता है और जब सोना होता है तो बेड को नीचे कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक छोटे से रूम में अलमारी, सोफा और दोस्तों एक काफी अच्छा बेड आ जाता है। नंबर 5, वॉल फोल्डिंग बेड। दोस्तों घर में काफी कम जगह होने की वजह से आप दोस्तों ऐसा बेड बनवाएंगे जो कि दोस्तों दीवार में ही फिट हो जाए। जैसे दोस्तों आप इन सीढ़ी को खींचोगे तो दोस्तों एक काफी सुंदर बेड दीवार के अंदर से निकल आएगा। इसी तरीके से दोस्तों कम जगह को देखते हुए 2 सिंगल बेड दीवार में फिट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आप अपना कंप्यूटर का वर्क करने के लिए इसी बेड के पीछे एक छोटा सा टेबल बनवा सकते हो जो कि दोस्तों ये टेबल भी फोल्ड हो जाती है। नंबर 6, डिजाइनर रूफ फर्नीचर कंपनी। दोस्तों पूरे रूम को फर्नीचर से डिजाइन करने वाली यह कंपनी आपके पूरे रूम को दोस्तों इस तरीके से डिजाइन करती है कि आपके एक बटन दबाते ही एक अलमारी सरक कर अलमारी अपने नीचे एक बेड फिट कर देती है जिससे दोस्तों आप रात में आराम कर सके और इन 2 अलमारियों में आप अपना सामान रख सके। इस तरीके से दोस्तों अलमारियों को काफी अच्छे से डिजाइन किया जाता है और फिर दोस्तों दूसरी अलमारी को पीछे करने के बाद घर का सारा सामान छुप जाता है। इस अलमारी में दोस्तों एक टेबल आपको लैपटॉप वर्क करने के लिए दी जाती है। इस टेबल को फोल्ड करने के बाद अलमारी के नीचे से बेड को निकाला जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो हमने आपके लिए एक कड़ी मेहनत करके बनाया है, इसीलिए दोस्तों इस कड़ी मेहनत का फल आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दें। और हाँ दोस्तों आप अपना प्यारा सा और मीठा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल अवश्य रखिए।